आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। पिताजी बताते हैं कि वो जब छोटे बच्चे थे तो उस समय गांव का जो प्राइमरी स्कूल था वो गांव से जरा हटकर था। उस जगह के बारे में लोगों की मान्यताएं थी कि वहां पर कोई सैद रहता है। हमारे पहाड़ों में मान्यता है कि किसी मुसलमान आदमी की भटकती हुई आत्मा सैद बन जाती है। हम छोटे थे तो हम भी सैद के कई कहानियां सुनते रहते थे। कई लोग दावा करते थे कि सैद उन्हें मिला और उनसे सिगरेट मांगी। ये भी मान्यता थी कि सैद जिसको मिलता है वो उससे सिगरेट मांगता है और जो सिगरेट नहीं देता उसको वो मार डालता है। इसका कारण लोग ये मानते हैं कि सैद आग से डरते हैं, इसलिए सिगरेट मांग कर तसल्ली करते हैं कि सामने वाले के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ है या नहीं। खैर, अब सच्चाई जो भी रही हो, हमने तो ये सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं। उसी प्राइमरी स्कूल से थोड़ा दूर पर एक पशु अस्पताल भी था जहां पर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी था, लेकिन कोई भी वहां पर रात को रुकता नहीं था। वहां के बारे में इतनी अफवाहें थीं कि शाम होते ही होते वहां का इलाका सुनसान हो जाता। दिन में तो वहां लोग गाय चराने भी जाते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो सुनसान नहीं रहता। आज वहां पर इतना विकास हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी जमाने में इस जगह के बारे में ऐसी अफवाहें रही होंगी। तो उस पशु अस्पताल में पशुओं का एक और चिकित्सक आए जो शहर से आए थे, तो वह ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। जब गांव वालों ने उन्हें कहा कि आप रात को वहां मत रुकिए, गांव में ही कमरा ले लीजिए, तो वो नहीं माने। उन्होंने अपना सामान वहीं जमा लिया और रात को भी वहीं रहने का मन बना लिया। सारे कर्मचारी अपने अपने घर चले गए। उस समय ना तो फोन थे और ना ही टेलीविजन, तो मनोरंजन का कोई भी साधन नहीं था। उन्होंने शाम ढलते ही खाना बनाना शुरू कर दिया, सब्जी बनाई और रोटी बनाने लगे। रोटी बनाते बनाते उन्होंने एक चीज पर गौर किया कि वो रोटी बनाकर एक टोकरी में रखते जा रहे हैं और रोटियां गायब होती जा रही हैं। ये बात उन्होंने खुद ही बताई थी। अब उन्हें लगा गांव के लोगों की शरारत है, ये लोग उन्हें डराना चाहते हैं। उन्होंने जोर जोर से आवाज लगाई, कौन है, कौन है यहां पर जो इस तरह की शरारत कर रहा है? तभी उनके घर के छत पर जो कि टीन की बनी हुई थी उस पर पत्थर बरसने लगे। अब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, टॉर्च लेकर बाहर आए और इधर उधर देखकर चिल्लाने लगे, कौन है, तुम लोग मुझे डराना चाहते हो ना, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, मैं नहीं डरता किसी से, तुम लोगों को मैं भी देख लूंगा। और वो इधर उधर ढूंढने लगे कि किसकी शरारत है, पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। फिर वो अंदर गए और रोटियां बनाने लगे, रोटी बनाए और वो सब गायब हो जाए। अब तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोटियां गायब कैसे हो रही हैं। फिर थोड़ी देर में किसी ने फिर से छत पर पत्थर फेंका, वो बाहर आए और चिल्लाने लगे, जो है वो सामने आ जाए। उनका ये कहना था कि एक विशालकाय सैद आकर उनके सामने खड़ा हो गया। वो भी कोई कम साहसी नहीं थे, टॉर्च से उसके मुंह पर रोशनी करने लगे। जैसे जैसे उसका मुंह देखना चाहते हैं वो और बड़ा और लंबा होता जाता। और फिर डॉक्टर साहब थोड़ी ही देर में जमीन पर बेहोश हो गए। सुबह हुई, उन्हें होश नहीं आया। पहले जमाने में गांव के लोग सच्चे और सरल होते थे, उन्हें रात भर डॉक्टर साहब की चिंता लगी रही, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा।
सुबह सुबह ही कुछ सयाने लोग वहां आ गए। देखा तो बीच मैदान में डॉक्टर साहब बेहोश पड़े थे। घर के कमरे का दरवाजा खुला था। सब लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, पर वो होश में नहीं आए। तब उन्होंने वहीं पास ही के गांव के एक मौलवी को बुलाया। मौलवी साहब ने अपने साथ लाए पानी के कुछ छींटे उनके ऊपर डाले, जिससे वो होश में आ गए। उनकी आंखें चमक रही थी। मौलवी उनसे उर्दू में बात करने लगे। आश्चर्य की बात तो ये थी कि डॉक्टर साहब भी उनसे उसी भाषा में ही बात करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। काफी देर की बातचीत हुई। बीच बीच में डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। बात करते करते अंत में वो शांत हो गए और फिर निढाल से पड़ गए। मौलवी साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब के ऊपर सैद का साया आ गया था, जिस वजह से डॉक्टर साहब के अंदर का सैद मौलवी साहब से बातें कर रहा था। मौलवी ने बताया कि वो सैद कह रहा था कि ये जमीन उसकी है, लेकिन गांव वालों ने उस पर जबरदस्ती पशु अस्पताल का निर्माण करा दिया, जिससे वो बहुत गुस्से में था। लेकिन बाद में सैद बुरी आत्माएं नहीं होती, इसलिए मौलवी साहब के समझाने पर वो मान गया और फिर डॉक्टर साहब के शरीर को छोड़कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी उमेश की है। उमेश तब 19 साल का था जब उसके पिताजी चल बसे। पिताजी के मरने के बाद उमेश के सर पर मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ सा टूट गया था। ये सारी जिम्मेदारियां हल्की हों इसलिए उमेश ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उसके गांव में उसे कोई काम नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उमेश को उसके गांव से काफी दूर एक जगह पर काम मिल गया। हालांकि वो जगह उमेश के गांव से काफी दूर था, मगर अच्छी तनख्वाह होने के कारण उमेश ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। रोजाना वो अपनी साइकिल से ही काम पर आना जाना किया करता था। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। गांव, शहर, सड़क चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड में भी दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। उस जमा देने वाली ठंड और खतरनाक कोहरे के बीच भी उमेश रोजाना काम पर आना जाना करता था। एक रात की बात है, उमेश को काम पर से घर जाने के लिए निकलने में काफी देर हो गई थी। उमेश जब अपनी साइकिल लेकर रास्ते पर आया, तब उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो, क्योंकि दूर दूर तक रास्ते पर उमेश के अलावा दूसरा कोई नहीं था। खैर, उमेश ने साइकिल चलाना शुरू किया। बहुत रात हो चुकी थी, शायद 10:30 बज रहे होंगे। तेज चल रही ठंडी हवा उमेश को ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कोई उसके बदन पर कांटे फेंक कर मार रहा हो। खटारा हो चुकी अपनी साइकिल को खींच तान कर उमेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज से उस पूरे माहौल की खामोशी टूट कर चकनाचूर हो गई। उमेश की साइकिल का पिछला टायर फट चुका था। परेशान होकर उमेश साइकिल से नीचे उतरा और साइकिल के पिछले टायर को टटोलने लगा। उमेश को अब ये फिक्र सता रही थी कि वो घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इतना खटमरकर चलने के बावजूद उमेश का घर अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। उमेश अपना सिर पकड़कर उस फटे हुए टायर के पास ही बैठ गया, क्योंकि 7 किलोमीटर पैदल चलना वो भी इस खटारा साइकिल को लेकर नामुमकिन था। उमेश ने सोचा किसी गाड़ी से लिफ्ट मांग लेगा, मगर दूसरे ही पल जब रोड के दोनों तरफ देखा
तो फिर निराश हो गया। अब उमेश को वहां बैठे बैठे काफी वक्त हो चला था, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी उस रास्ते पर से। तभी उमेश उठा, ये सोचकर कि अब कुछ करना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस इरादे से उमेश अभी उठकर सीधा खड़ा हुआ ही था कि तभी दाईं ओर से आती किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी उमेश के चेहरे पर पड़ी। उमेश ने उस रोशनी की ओर देखा तो एक ट्रक उमेश के करीब आ रही थी। उमेश हाथ दिखाकर उस ट्रक वाले को रुकवाने लगा, मगर ट्रक बिना रुके ही उमेश के चेहरे पर धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। उमेश घबरा कर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि अगर वो उस ट्रक को रुकवाने के चक्कर में थोड़ा और आगे चला जाता तो शायद वो घर ना पहुंचकर कहीं और ही पहुंच गया होता। उमेश बुदबुदाते हुए उस ट्रक वाले को गालियां देने लगा। उमेश अभी उस ट्रक वाले को गालियां बकी रहा था कि तभी उसे दाईं ओर से एक और गाड़ी आती दिखी, मगर इस बार कोई ट्रक नहीं बल्कि एक छोटी सी कार थी। वो कार इतनी धीरे चल रही थी कि अगर कोई पैदल भी चले तो शायद उस कार से आगे निकल जाए। उमेश ने सोचा कि अगर वो इस कार वाले से लिफ्ट मांगेगा तो शायद ये भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे, इसलिए उमेश ने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही वो कार उमेश के पास आई, उमेश झट से गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में घुस गया। हालांकि ये काम बहुत खतरनाक था। खैर, उमेश ने सोचा कि वो अपनी खटारा साइकिल कल ले जाएगा, वरना चोर ले जाएंगे। तभी उमेश ने अपनी नज़रों को ड्राइविंग सीट की ओर घुमाते हुए कहा, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे ऐसा करना पड़ा, आप जरा मुझे बेलगढ़ गांव तक छो। ये बोलते बोलते ही उमेश रुक गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जहां ड्राइवर होना चाहिए था वहां कोई नहीं था। उमेश बहुत जोर से चीखना चाहता था, मगर उसका गला बैठ चुका था। उसने कार के दोनों दरवाजों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उमेश ने खिड़की खोलना चाहा, मगर वो भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार में ना होकर भी कार में ही है और वही कार को कंट्रोल कर रहा है। उमेश अब तक पूरा डर चुका था, उसके शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रही थीं। उमेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। चलते चलते अब गाड़ी उमेश के गांव जाने के रास्ते में पड़ने वाले एक रेलवे फाटक पर पहुंच चुकी थी। फाटक खुला हुआ था, तभी वो कार फाटक को पार करके रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रुक गई। उमेश थोड़ा घबराया और फिर से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दो चार मिनटों तक कार वैसे ही ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ ने उमेश के कान में दस्तक दिया। वो आवाज़ ट्रेन की थी जो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर अभी वो कार खड़ी थी। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फाटक गिर चुका था। उमेश ने यह मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया और चीखने लगा, मगर तभी कार थोड़ा आगे बढ़ी। उमेश ने आंख खोलकर देखा तो ट्रेन पीछे से जा रही थी। उमेश की जान में जान आई। फिर जैसे ही फाटक खुला, कार आगे निकल गई। उमेश अब रोने रोने को हो गया था। उसे अपनी मौत को टालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कार अब काफी रफ्तार से चले जा रही थी।
उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी का इतनी रफ्तार में चलना उमेश को ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही किसी तीखे मोड़ पर गाड़ी मुड़ती, उमेश का दिल धक सा हो जाता। तभी उमेश ने देखा, धीरे धीरे गाड़ी का रियर व्यू मिरर उमेश की ओर मुड़ा, जैसे किसी ने अपने हाथों से मोड़ा हो, और साथ ही किसी ने ये कहा, उमेश कुछ याद आया? ये आवाज और रियरव्यू मिरर को अपनी ओर घूमता देख उमेश को पूरा माजरा समझ आ गया। तभी उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो देखो, वो मेरी गलती नहीं थी, मैं मानता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मगर इस पर उमेश को कोई जवाब नहीं मिला। उमेश जानता था कि अब उसके साथ वही होगा जो उमेश ने एक साल पहले इस कार के ड्राइवर के साथ किया था। तभी उमेश ने देखा कि गाड़ी में अपने आप ही बहुत सारा खून फैल चुका है, और खून से सना हुआ एक बड़ा सा पत्थर भी ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ है। उमेश जान गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, मगर तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। उमेश ने बाहर देखा तो उसके गांव के पास का इलाका था। तभी सामने से फिर एक बार आवाज आई, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। ये सुनकर उमेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा एक बार में ही खुल गया। दरवाज़ा खोलकर उमेश जैसे ही बाहर निकला तो वो दंग रह गया, क्योंकि ठीक उसके सामने उसकी पंचर साइकिल खड़ी थी। मगर ये कैसे हो सकता है, भला अपने आप ही साइकिल इतनी दूर से यहाँ कैसे आ सकती है। उमेश ने पीछे मुड़कर गाड़ी की ओर देखा तो कार वहां से गायब थी। उमेश अपनी साइकिल लेकर सीधे घर पहुंचा। दरअसल आज से ठीक एक साल पहले देर रात गए एक बार उमेश अपनी बहन के साथ उसी रास्ते से घर लौट रहा था। वो दोनों पैदल थे और गांव बहुत दूर था। तभी वही कार उन दोनों के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने दोनों को लिफ्ट का ऑफर किया। वो दोनों मान गए, क्योंकि पैदल चलने से तो बैठकर जाना ही अच्छा होता। मगर थोड़ी दूर जाते ही उमेश को पता चल गया कि उस कार ड्राइवर की नज़र अच्छी नहीं है। वो बार बार लुकिंग ग्लास में पीछे बैठी उमेश की बहन को ही देखे जा रहा था। एक बार तो हद हो गई जब उमेश हल्का होने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, तब ड्राइवर उमेश की बहन के साथ बदसलूकी करने लगा। ये उमेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस ड्राइवर के सिर पर दे मारा, जिससे वो वहीं मर गया, और शायद आज उसी की आत्मा उमेश को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।